और चलिए बात करेंगे इंदौर की। स्टूडेंट ने एमपीपीएससी के दफ्तर का घेराव कर दिया है। करीब 500 से ज्यादा छात्र पीएससी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। सोमवार दोपहर से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन फिलहाल जारी है और इनकी मांग ये है कि हर बार की तरह मेंस की तैयारी के लिए ज्यादा समय दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी ये जो लड़ाई है वो आर पार की है, सुनवाई अगर नहीं हुई तो भूख हड़ताल भी करेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर मनमानी लगातार देखी जा रही है, जिसके बाद यहाँ पर छात्रों ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है। और ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं संकेत दे रही हैं कि किस तरह से छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। यहाँ पर छात्रों को प्रदर्शन खत्म करने के लिए समझाने का भी प्रयास किया गया। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएससी दफ्तर का घेराव छात्रों की ओर से किया गया। हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर यहाँ पर लोगों ने काफी देर तक हंगामा किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर पिछले 20 घंटों से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर ये स्टूडेंट्स आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 20 घंटों के बावजूद भी अब तक एमपीपीएससी का कोई जिम्मेदार इन स्टूडेंट्स से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। और आप देखें कि एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर स्टूडेंट्स लगातार धरना दे रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दरअसल 11 मार्च को एमपीपीएससी मेंस की एग्ज़ाम होनी है और उसी एग्ज़ाम की तारीख को आगे बढ़ाने की लोग मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्री और मेंस परीक्षा के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत कम है और इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तारीख है वो बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो 2023 में मुख्य परीक्षा होने वाली है, जो 2023 की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें 90 दिन का कम से कम हमें समय दिया जाए, क्योंकि पूर्व में आयोग 90 दिन या उससे ज्यादा समय देता रहा है। हम उसी हिसाब से तैयारी करते आए हैं। आयोग 90 दिन जोड़ रहा है कब से? अक्टूबर से, जबकि पहले कब से जोड़ता था? प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद से जोड़ता था, अभी वो अक्टूबर से 90 दिन जोड़ रहा है। तो ऐसी अनैतिकता ना करे ताकि हम लोगों की तैयारी हो पाए। और आखिरकार पेपर हो किसके लिए रहा है? हम लोगों के लिए हो रहा है। तो हम लोग की जब तैयारी हो जाएगी तो पेपर हम लोग देंगे, तो सम्मानजनक समय दिया जाए उसमें, जो कि 11 मार्च से पेपर है। तो हम लोग चाहते हैं कि 90 दिन का समय दिया जाए, जो उचित समय हो वो आयोग निर्धारित करे। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 2024 में 60 पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी जारी की है तो वो कम से कम 500 की जाए, है ना। तीसरी हमारी मांग है कि जो 2019 से लेकर 2022 तक 13% रिजल्ट इन्होंने होल्ड कर रखा है उसको इनको जल्द जारी करना चाहिए। जो हम लोग मानसिक रूप से परेशान हैं उसका निराकरण किया जाए। माननीय हाईकोर्ट के अधीन प्रकरण जरूर चल रहा है लेकिन उसकी नियुक्ति जो होगी तो माननीय हाईकोर्ट के अधीन रहेगी। चर्चा हुई है आपकी कोई अधिकारियों से? कोई हमसे मिलने नहीं आया, ना किसी प्रकार से हमसे उनकी मुलाकात हुई है, ना वो मिलने का प्रयास किए। हम लोगों ने रात भर से यहीं पर धरना दे रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेगा? ये आगे भी अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। कल 2 बजे दोपहर से हम लोग लगातार यहाँ रुके हुए हैं रात भर। कितने स्टूडेंट हैं आपके साथ? कल तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट थे, अभी बहुत सारे और हजारों हो जाएंगे, आज और बढ़ जाएंगे स्टूडेंट। तो हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तो हम लोग डटे रहेंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और बातचीत नहीं की गई तो इसी तरह से धरना जारी रहेगा। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारिबंसल, न्यूज़ इंदौर।